हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्स बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से, केवल आप कपड़े से बना सकते हो। तो देखिए, इसको मैंने कट कर दिया है 12.5 बाई 8.5 इंच का। तो आपको छोटा या बड़ा जितना भी करना है वैसे आप कर सकते हो, लेकिन इस साइज का परफेक्ट है ये। अब देखिए, मैंने ये मसाले का एक बैग लिया है, ये थोड़ा सा हार्ड है इसीलिए मैं इसी को लगाने वाली हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई बैग वगैरह ना पड़ा हो तो आप प्लास्टिक बोरी का, जो प्लास्टिक का जो कट्टा आता है वो आप यूज कर सकते हो, या फिर बुकरम या फिर फॉर्म। तो आप जो लगाना चाहो वो इसके अंदर लगा सकते हो। तो फॉर्म के साथ तो आपको अस्तर लगाना है। तो इसके ऊपर हमने देखी चारों तरफ से, जैसे हमें सिलाई लगानी थी वैसे हमने लगा ली है, और साइडों से भी क्लीन कर देते हैं इसको। अब देखिए, हमें एक निशान लगाना है 4.5 इंच की दूरी पर। तो दोनों तरफ लगा देंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो सीधी ड्रॉ हो जाए। तो मैं स्केल की सहायता से इसमें लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब इससे हमें जो हमने लाइन खींची हुई है वहीं पर हमें देखिए दोनों साइड में कट्स लगा देनी है, क्योंकि हमें बार बार पर 2-4 बार इसे फोल्ड करने का काम पड़ेगा, इसीलिए तो हमें फिर बार बार पर नहीं देखना पड़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ पहले, और एक निशान आपको ऊपर की साइड में लगाना है बिल्कुल इसके बराबर। तो देखिए, स्केल मैंने रख ली है बराबर से लेके, और एक और ऊपर से निशान लगा रही हूँ मैं। तो सीधा हमने निशान लगा दिया है, बिल्कुल बराबर आना चाहिए दोनों तरफ से। अब इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब देखिए, हमने डबल फोल्ड किया है आड़ा, और आधा इंच छोड़ते हुए जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है उससे हमें आधा इंच छोड़ना है, और ऊपर जो बिल्कुल मिलाते हुए नोक को और सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा शेप आ जाएगा पर्स का। अब इसे हमें फिर से फोल्ड करना है, लेकिन फोल्ड करने से पहले इसमें हम लगा देते हैं पाइपिंग। तो देखिए, मैं जो कढ़ाई हुई हो रही है उसकी मैचिंग की पाइपिंग ले ली है, कपड़ा ले लिया है। आप कोई भी यूज कर सकते हो पाइपिंग, मैचिंग का या फिर अदर भी, जो भी आप लगाना चाहो दूसरे कलर का भी। तो देखिए, पीछे से भी मैं इसको सिल देती हूँ। तो ये हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो जाएगी। अगर आप इसमें चैन लगाना चाहते हो तो चैन भी आप इसमें लगा सकते हो। अब देखिए, इसे अब मैं फिर से फोल्ड करना है। तो जो हमने कट्स लगाए हैं वहीं से हम फोल्ड कर देंगे। तो जो हमने कट्स लगाए हैं बारह पे हमें अब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब देखिए, ऐसे फोल्ड करके हमने 20 सेंटर पे इसमें निशान लगा लिया है, और यहाँ पर हम लगाएंगे वेलग्रो पहले। तो देखिए, ऊपर से भी हिस्से को हम फोल्ड कर लेंगे जितना बचा हुआ है, और इसकी जो चौंच सी निकली हुई है पर्स की, इसको देखिए 20 सेंटर में रखना है। और हमने लिया है देखिए वेलग्रो, तो इसको हम कट कर लेते हैं 1.25 इंच करीब। तो देखिए, इस तरीके से हमने कट करके 20 सेंटर में इसको रख लिया है नाप कर, ऊपर के हिस्से को भी नाप कर। और हमने देखिए चारों तरफ से निशान लगा दिया है, और इसको हम सेट कर देंगे। चारों तरफ सिलाई लगा के हमने सेट कर दिया है। अब देखिए, दोनों तरफ से हमें इसको सिल देना है, सेट कर देंगे अब हम इसे। और फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर से पाइपिंग, और इसे आप जितनी पॉकेट का बनाना चाहो उतनी पॉकेट का बना सकते हो, 2 या 4। पीछे चैन लगा सकते हो, इसमें अंदर चैन लगा सकते हो। तो मैंने ये सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया है। मोबाइल पैसे जो भी आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो। ये खूब बड़े साइज का है, आपका मोबाइल भी आराम से इसमें आ जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे पीछे की, आगे की साइड से, और फिर पीछे की साइड में इसे हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये आगे की साइड है जो वो कम दिखेगी और पीछे की साइड हमारी ज़्यादा दिखेगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पाइपिंग लगा दी है पूरे में, और देखिए फोल्ड करके मैं पीछे की साइड से भी सेट कर देती हूँ। देखिए, जो कोना है उसको हमें सेट कर देना है। और देखिए, फिर से हम सिलाई लगा रहे हैं, और जो इसकी नोक निकली हुई है उस पर भी आपको अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। अब हम दूसरी साइड की वेलग्रो भी लगा लेते हैं। देखिए, पहले मैंने इसके ऊपर ही चिपका दी है, और फिर हम इधर भी निशान लगा लेते हैं ताकि बराबर आ जाए। अब इस पर भी हम सेट कर देते हैं। तो देखिए, हमने सिलाई लगा दी है, और ये हमारा परफेक्ट पर्स बन के रेडी है। अब देखिए, ऊपर जो सिलाई दिख रही है इसे छुपाने के लिए आप कोई भी फ्लावर या फिर
आप कपड़े का बना के लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कुछ भी जो भी आप लगाना चाहो, लेस वगैरह। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।